पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज का विषय है धारा 161 सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा जो बयान लिए जाते हैं क्या उनकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू है, इस सारे बात को मैं इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, वीडियो को एस्केप न करें, वीडियो महत्वपूर्ण है। धारा 161 सीआरपीसी ये कहती है कि जब भी कोई एफआईआर होती है, पुलिस अधिकारी किसी गवाह का या फरियादी का या अन्य किसी विटनेसेस का बयान लेता है, उस पर उसके हस्ताक्षर नहीं करा सकता है और वो किसी भी व्यक्ति के कथन ले सकता है और वो कथन केवल कॉन्ट्राडिक्ट करने के पर्पस से उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो ये जो ऑफेंस हुआ और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बयान लिया, कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट की धारा 161 के तहत 161 में उस पर हस्ताक्षर नहीं करा सकता है। आईओ जब भी जांच करेगा उस व्यक्ति का बयान लेगा, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। व्यक्ति का बयान लेकर जब लेगा तो व्यक्ति उसको सही सही बताएगा। इन स्टेटमेंटों को एक्यूज्ड के अगेंस्ट यूज नहीं कर किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को विटनेस बना सकता है जो ऑफेंस से रिलेटेड है। दूसरा ये कि पुलिस अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति पुलिस अधिकारी के समक्ष बयान देने के लिए बाध्य है और धारा 162 सीआरपीसी के तहत यदि कोई पुलिस अधिकारी साइन करने के लिए कहता है तो विटनेस उसके लिए बाध्य नहीं है और इसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो कॉन्ट्राडिक्शन या ओमिशन पर्पस के लिए केवल ये बयान काम आएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक पर्वत सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का इम्पोर्टेंट केस लॉ हुआ है, जिसमें ये कहा है कि इस तरह के बयान की धारा 161 सीआरपीसी की कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं। इसके अलावा होस्टाइल विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन जब किया जाता है तो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बयान को यूज करता है। एक सुप्रीम कोर्ट का अन्य केस कृष्णचंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली का हुआ था, जिसमें धारा 161 सीआरपीसी के स्टेटमेंट विटनेस के स्टेटमेंट के बारे में कहा गया कि ये केवल कॉन्ट्राडिक्शन के पर्पस के लिए उपयोग किया जा सकता है, लिमिटेड पर्पस के लिए यूज होगा और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए ही यूज होगा, ना तो एक्यूज्ड के अगेंस्ट इसे यूज किया जाएगा और ना पुलिस अधिकारी उस पर विटनेस के रूप में उसके हस्ताक्षर विटनेस के कराएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने धारा 161 सीआरपीसी पुलिस कथन की एविडेंशियरी वैल्यू के संबंध में आपको दी। मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, आपको जानकारी समझ में आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।